Question number 19. A fire on October 14, 2013. October 14, 2013 destroyed a stock of Nandu and Associates. The business records were saved and from them the following particulars were ascertained. Stock at cost on April 2012 88,600. Stock on 1st April 2013 14th October 2013 बराबर है. ईयर कभी स्टार्ट हुआ होगा, आगे जो हमने पढ़ा है उससे हमको मालूम पड़ रहा है कि ईयर स्टार्ट होगा 1st April 2013. तो ये कौन सा ईयर है? अप्रैल 13, मतलब 13-14 ईयर है ये. तो इसका पिछला साल क्या रहा होगा? 1st April 2012 to 31st March 2013. बराबर ना. तो यहाँ पे पहला जो स्टॉक दिया हुआ है 1st April 2012, ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक हो गया पिछले साल का. और फिर स्टॉक ऑन 1st April 2013, ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक कहाँ का हो गया? 1st April 2013, मतलब 13-14 का हो गया, है ना. ओके okay, आगे क्या? परचेजेस फॉर द ईयर अप टू 31st मार्च 2013, 31st मार्च 2013 का परचेज कितना है? 2,07,700. सेल्स फॉर द ईयर अप टू 31st मार्च 2013 3,05,000, यानी ये ट्रेडिंग का ये पीरियड का. फिर आगे क्या है? परचेजेस फॉर अप्रैल टू 14th अक्टूबर, मतलब आग लगने तक 74,700. और फिर क्या है? सेल्स 1st April 2013 to 14th October 1,18,000. देन इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन March 31st 2013 1,200 हैव बीन रिटन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 3,600, ठीक है, एंड विच वर सोल्ड इन June 2013. June 2013 मतलब 13-14 में बेचा है. ये ईयर कौन सा हो गया? 13-14. और यहाँ पे क्या हो गया? 12-13, ठीक है. ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 3600. बेचा कितने में? 3500 में, ठीक है. एक्सेप्ट एज रिगार्ड दिस ट्रांजेक्शन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस हैड रिमेंड अनचेंज थ्रू आउट. सैलरीज वेंट, सैलरीज वॉज 10,000 to 10,000 to 10 सैलरीज. Calculate the amount of insurance claim and to loss with the insurance claim. इसमें एक एक नॉर्मल आइटम है, वो सम सॉल्व करते वक्त आप लोगों को बताता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से. पहले तो स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 88,600, ठीक है. तो इसके बाद क्या? स्टॉक ऑन 1st अप्रैल, 1st अप्रैल 2013 यहाँ पे आएगा. तो यहाँ का ये ओपनिंग है टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 75,100. तो यहाँ का ओपनिंग है ना, इधर के लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग. तो बाय क्या लिखोगे? कुछ समझ में आया? ठीक है. फिर उसके बाद क्या? परचेजेस फॉर द ईयर अप टू 31st मार्च 2013 टू परचेज 2,07,700. और सेल्स वर्सेस 3,05,000. फिर सेल्स
by syllabus. कितना 74,000 sorry 118,000 है परचेज है उसके ऊपर 74,000 टू परचेज 74,700 ठीक है ये हो गया अब आगे जो पढ़ रहा हूँ उसको समझो आज के लिए नया ही है इन वैल्यूइंग स्टॉक 31 मार्च 2013 को जो हम लोग स्टॉक कर रहे थे तो उस टाइम पे 1200 रुपये हैड रिटर्न ऑफ ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स विच हैड ओरिजिनल कॉस्ट 3600 मालूम है राइट ऑफ करते हैं अपने एसेट्स की वैल्यू ट्वेल्थ में क्या होगा डेप्रिसिएशन वगैरह हमारा होगा तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती कम होती है ना तो स्टॉक भी देखो स्टॉक को भी राइट ऑफ करते थे अपने है ना तो स्टॉक भी की भी वैल्यू क्या करते थे कम तो जो 3600 का स्टॉक था उसको उन्होंने 1200 रुपये से क्या किया राइट ऑफ किया तो राइट ऑफ किया तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी कम हो जाएगी है ना तो 1200 रुपये से कम हो गया तो 3600 का माल था अब वो 1200 रुपये से कम हो गया तो कितने का हो गया 2400 है ना तो स्टॉक के वैल्यूएशन में चेंज हुआ तो ये जो आइटम है ये क्या हो गया एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल आइटम को क्या करने का हटा ही देने का हाँ समझ में तो उस आइटम को हटा दो यहाँ से जो हमने कितने में परचेज किया था 3600 2,04,100 ठीक है अच्छा अगर 1200 से कीमत कम कर दी थी तो हमारी ये स्टॉक के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है 2400 तो 2400 यहाँ से माइनस कर दो मतलब जो एबनॉर्मल आइटम है उसको हटाई दो ये तो आपको रेशियो में क्या प्रॉब्लम होगा GPR सही नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे72 तो यहाँ का क्लोजिंग की वैल्यू चेंज हुई ना यहाँ पे वैल्यू क्या होगी चेंज हुई ये समझ में आया अच्छा बाद में यही एबनॉर्मल आइटम हमने कैसे बेचा कैसे बेचा देखो कितने में बेचा 3500 में 3500 में बेचा ना कभी बेचा हमने जून 13 में पिछला साल कभी खत्म होएगा मार्च 13 में खत्म होएगा तो जून 13 कभी आएगा 13-14 में आएगा यहाँ पर तो वो एबनॉर्मल आइटम यहाँ से लेस कर दो एडजस्ट कर दिया एक्सेप्ट एज रिगार्ड ट्रांजेक्शन ऑफ द रेशियो ठीक है सैलरीज कितना था 10,002 चलो हो गया हम यहाँ पे जीपी निकाल देते हैं थ्री लैख 5,000 72,700 कितना वाला 3,77,700 माइनस 88,600 माइनस 2,04,100 85,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ठीक है अच्छा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 85 सेल्स कितना है
3,05,000. Okay. Into 100. Divided by 3,05,000 multiplied by 100. 27.86 8 है तो 87 करो, ये परसेंटेज है, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, जिस दिन आग लगी उस दिन का स्टॉक, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो ग्रॉस जीटीआर कितना आ रहा है, 27, 87 सेल्स पे वाला ना, यहाँ पे सेल्स कितना फाइनल, 1,14,500 इंटू 27.87% 31,911, ठीक है। ये जीपीआर आ गया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर 72,700 प्लस 74,700 1,79,300 minus 1,14,500 64,811 है ना। तो स्टॉक एज एन डेट ऑफ फायर कितना था, 64,811 इसमें से क्या करोगे, माइनस 10,210 54,600 ठीक है। अच्छा देखो, पॉलिसी के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आपका ये लॉस ही क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हमने पहले भी किया होगा, है ना। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत मेरे को 14 नहीं है, ठीक है।